ये देखें, इसमें है दाल, दाल इतना कलरफुल आ रहा है ना इसमें, देखो। और ये है चना, और ये है रायता, ये, और एक साथ में है प्याज अचार, हरी मिर्च का अचार है, और ये है लच्छा परोठा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं अमृतसर केसर के ढाबा, जो अमृतसर का सबसे फेमस ढाबा है और जहाँ बहुत ही फेमस दाल चावल रोटी और सब कुछ मिलता है। तो चलो इनसे पूछते हैं ये कैसे सब कुछ तैयार करते हैं। भाई, आपके जो केसर के ढाबे का नाम कैसे पड़ा है, केसर का ढाबा? जी, केसर का ढाबा नाम जोड़ा सीगा वो मेरे पड़दादा जी नाम तो पे है, उन्होंने नाम केसर मल सीगा, उन्होंने शुरुआत की थी इस ढाबे की 1916 शेखूपुरे से, जो कि एस एम लाहौर च है। फिर पार्टीशन तो बाद असी इधर आ गए सी, उदों तो लैके हुण तक असी इधर ही हैं, तो इसको तकरीबन 104 साल हो गए। 104 साल हो गया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपके दादाजी की फोटो है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये पड़ दादाजी केसर मल जी के नाम से है। हाँ जी, ये दादाजी, ये दादाजी। हाँ जी, हाँ जी। तो अमृतसर में सबसे मशहूर ढाबा आपका बोला जाता है? जी जी। तो आपके मतलब दादाजी के नाम पर ही? हाँ जी जी, उनको ये जो रेसिपीज जो भी हमारे यहाँ आज बन रही हैं ये सब उन्हीं की देन है, उन्होंने ही स्टार्ट किया था, उनके नाम से ही चल रहा है। तो ये कितने साल हो गए अमृतसर में इस केसर? पार्टीशन के बाद सर यही है, आफ्टर 1947। हाँ जी, ये देखें, जो भी अंदर आता है सबसे पहले उनको सैनिटाइज हाथ को करके उसके बाद एंट्री अंदर होती है। तो बहुत ही बढ़िया इनका काम है भाई। कितना टेस्ट लगा जी? एकदम ऑसम। लास्ट 10 साल से मैं इतने आ रहा चंडीगढ़ तो बिलोंग करना, ठीक है, कदे भी एक बार भी इदा नहीं होया भी कदे टेस्ट से कोई फर्क आया हो। एब्सोल्युटली ऑसम, इन्हों की सर्विस, इन्हों का खाना, क्वालिटी बहुत बढ़िया जी। जम के आओ तो जम के खाओ। थैंक यू भाई। कितना टेस्ट लग रहा? बहुत बढ़िया टेस्ट है जी। और तुसी कितने टाइम से इधर आ रहे? भाजी मैं तो हिसाब ला लो कहिंदे जदों दे जम्मे अमृतसर च उदों दे इत्थे आने, मतलब ए तो वधिया स्वाद तुहानू केसर तो वधिया स्वाद किते नहीं मिलेगा। अमृतसर च जे कोई बंदा आंदा तो केसर जरूर आ, टेस्ट बहुत वधिया मिलेगा तुहानू। ये है पालक पनीर। क्या बात है, कलर देखो कितना प्यारा है इसमें। इनका पालक पनीर है। और ये क्या बात है? जैसे चना है, ये चना है, ये चना है, कढ़ी है, कढ़ी पकौड़ा, पंजाबी कढ़ी, पंजाबी कढ़ी पकौड़ा है। 12 घंटे की दाल है सर? 12 घंटे में जी, 12 घंटे में तैयार होती है जी। ठीक है, ये दाल है और ये 12 घंटे में बनकर तैयार होती है। पीतल का बर्तन है जो पीतल की देग, पंजाबी में देग बोलते हैं इसको, पंजाबी में देग बोलते हैं। पीतल का है पूरा जी, दाल बनती है पीतल का है। क्या दाल को तड़का लगा रहे हैं ये देखो, ये दाल है उसको मैं तड़का डाला है। क्या बात है भाई, ये दाल की प्लेट कितने की है? 110 रुपये की है फ्राई सर। 110 रुपये की जी। और लच्छा परोठे का क्या प्राइस? लच्छे परोठा 40 रुपये। ये लच्छा परोठा ये भाई साहब तैयार कर रहे हैं, ये देखें, ये भी लच्छा ही है ना? ये लच्छा परोठा, इसमें देसी घी लग रही है सर। देसी घी लगा रहे हैं, सही है। ये देखो भाई, ये लच्छा परोठा है। और देख, एक मिनट, ये लच्छे परोठे आ गए जी, और इस पे देसी घी लग गया सर। ये दाल को, इसका क्या नाम है? इसका लच्छा परोठा नाम है जी। इसका लच्छा परोठा है? हाँ जी, हाँ जी, ये लच्छा परोठा है। लच्छा परोठा सही है। करारे केड़ देख रहा, ये लच्छा परोठा है। और ये सादी रोटी है? हाँ जी, ये सादी रोटी, ये सादी रोटी है। करारे करना है। ये केसर के ढाबा है जी, अमृतसर में सबसे मशहूर है।
रहने माय तो अब हम इसको ट्राई करते हैं, आपको ट्राई करके बताते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। ये देखें, हम सबसे पहले दाल के साथ ट्राई करते हैं। ये है दाल, आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। क्या बात है भाई, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही लाजवाब है। अगर आप कभी भी आएँ अमृतसर तो केसर के ढाबा में ज़रूर आना, जहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है और लाजवाब होता है। अभी हम रायता चेक करते हैं, क्या बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।